गुमला में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के ऊपर दिए गए विवादास्पद बयान के विरोध में सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया। गुमला में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के ऊपर दिए गए विवादास्पद बयान के विरोध में सोनिया गांधी का पुतला दहन किया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष अनूप चंद्र अधिकारी ने कहा कि निकट भविष्य में देश एक नया इतिहास रचने जा रहा है, जब देश को पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति देखने को मिलेगा, किंतु यह बात कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। कभी कांग्रेस नेता अजय कुमार के द्वारा द्रौपदी मुर्मू के संबंध में अनर्गल बयानबाजी करने का कार्य किया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में बल पड़ गया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस नेता अजय कुमार के द्वारा आदिवासियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है और साथ ही महिलाओं की भावनाओं से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जलाधार कांग्रेस पार्टी और उनके ऐसे विचारक जिनका कोई विचार ही नहीं है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई उद्देश्य है, और भारतीय जनता पार्टी को एक सैतानी विचारधारा के लोग ऐसा कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि आखिर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है? जो अजय कुमार ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, वो अजय कुमार को अभी अगर राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बना दिया जाए तो अपना पार्टी छोड़कर किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मतलब वो दलबदलू है, स्वार्थी है, तो उनके विचारों को हम खंडन करते हैं। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल के पद का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और एक आदिवासी महिला है, सशक्त महिला है। निश्चित रूप से उनके राष्ट्रपति बनने से एक जनजाति समुदाय के साथ साथ पूरे भारत के जनजातियों का उत्थान होगा, देश का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि असल में कांग्रेस का यही चाल और चरित्र रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को स्पष्ट तौर पर कहा कि देश की होने वाली राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखें, क्योंकि ये देश के मान और सम्मान से जुड़ा मामला होता है। यूं गंदी राजनीतिक बयानों से उनके स्वयं के राजनीतिक चरित्र का पता चलता है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।